आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। परासिया झिरी निवासी गया प्रसाद कुसराम कटे सिर की तलाश में पुलिस के 60 जवानों ने घटनास्थल के आसपास चप्पा चप्पा देखा। पुलिस के जवान चारों ओर फैल गए थे। खेत कुआं तालाब में पता साजी की गई। इसी बीच बुधवार को पुलिस की एक टोली को घटना स्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में कटा हुआ सिर मिल गया। हत्यारों ने सिर को गौशाला में दफन किया था। गौशाला में एक जगह मिट्टी ताजी खुदाई पर पुलिस की नजर पड़ी। ऊपर की मिट्टी हटाई गई तो गड्ढे में दफन सिर मिल गया। विदित हो कि सोमवार दोपहर गया प्रसाद उम्र 60 वर्ष का धड़ उनके खेत में बनी झोपड़ी में मिला था। उनकी नृशंस हत्या करने के बाद हत्यारे सिर काटकर साथ ले गए थे। इधर सिर के अभाव में मंगलवार को सब का पोस्टमार्टम रोक दिया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल ने बताया कि अब बुधवार को मेडिकल के चिकित्सक सब का पोस्टमार्टम करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि वारदात के दौरान किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। यह मामला है तिलवारा थाना क्षेत्र के परासिया झिरी गांव के सरपंच राम सिंह कुसराम के चचेरे भाई गया प्रसाद की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनका शव सोमवार दोपहर को मिला था। गया प्रसाद घर पर भोजन करने के बाद फसलों की देखरेख के लिए खेत पर चले जाते थे, जहां बनी झोपड़ी में रात्रि विश्राम करते थे। 28 नवंबर की रात घर पर भोजन करने के बाद वे खेत पर चले गए थे। अगले दिन वे समय पर घर नहीं लौटे तो उनके स्वजनों को चिंता हुई। स्वजन उनकी तलाश करते हुए खेत पहुंचे, जहां बनी झोपड़ी में गया प्रसाद का रक्त रंजित शव मिला। गया प्रसाद की निर्मम हत्या करने के बाद हत्यारे सिर काट कर ले गए थे। धड़ घटना स्थल पर छोड़ा गया था। झाड़ फूंक के संबंध में पूछताछ। हत्या के आरोपितों की पतासाजी के लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर अलग से पुलिस टीम का गठन किया गया है। गठित टीम के संदेहों से पूछताछ शुरू की है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।